हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे सिंपल और टेस्टी चिकन करी। ये चिकन करी की रेसिपी इतनी आसान है कि इसे कोई भी बिगिनर हो या बैचलर्स हो, और इसमें ये एक खास बात है कि जिसने कभी चिकन करी पहले नहीं बनाई है वो भी इसे परफेक्ट तरीके से बना लेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन के करी पीसेस काट लिए हैं। फुल चिकन को घर में ही करी पीसेस में कैसे काटा जाता है उसका भी वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड किया था। उस वीडियो की लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। हमने चिकन को 2-3 बार अच्छी तरह से पानी में धो लिया था। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब 1/2 कप गाढ़ा दही डालकर सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम चिकन को बहुत देर तक मैरिनेट नहीं करके रखेंगे, बस चिकन करी के लिए प्रिपरेशन करने तक ही हम इसे साइड में रखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन करी को एरोमेटिक और ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए एक सीक्रेट मसाला बनाकर रख लिया है। इस मसाले में मैंने 12 से 15 सूखे हुए नारियल के पतले स्लाइसेस लिए हैं, 1/2 छोटा चम्मच काली मिरी और 1/2 छोटा चम्मच जीरा लेकर सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भूनकर इसे मिक्सर में पीसकर पाउडर बनाकर रख ली है। चिकन भी मैरिनेट हो गया है और इसके लिए मसाला भी बनकर तैयार है। अब हम चिकन करी बनाएंगे। यहाँ पे एक मीडियम आंच पर गर्म किए हुए पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब मैरिनेट किए हुए चिकन के एक एक पीस रखेंगे। चिकन करी के पीसेस को एक साइड से हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसे पलटेंगे। अब दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। ध्यान रखिए, हमें चिकन को पूरी तरह से नहीं पकाना है। चिकन भून कर हल्के गुलाबी रंग के हो गए हैं। अब हम भुने हुए चिकन को पैन में से निकाल लेंगे। चिकन भूनने के बाद जो पैन में तेल बच गया है उसी में 2 चक्रफूल डालेंगे, 2 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग डालकर सारे खड़े मसालों को 5 से 6 सेकंड के लिए मीडियम आंच पर भूनेंगे। खड़े मसालों को भूनने के बाद 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम आंच पर भूनेंगे। अगर प्याज को भूनते समय आपको तेल का प्रमाण कम लग रहा है तो आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार और थोड़ा तेल डाल सकते हैं। अब प्याज में थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे प्याज से पानी छूटने लगेगा। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम आंच पर भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब अदरक लहसुन से कच्चापन निकल जाने तक इसे मीडियम आंच पर 1/2 मिनट के लिए प्याज के साथ भूनेंगे। अब सूखे मसालों में 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन सूखे मसालों की पाउडर को हम सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए मीडियम आंच पर एरोमेटिक होने तक भूनेंगे। मसालों को भूनकर बहुत अच्छी खुशबू छूटने लगी है। अब इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, पर टमाटर जल्दी से पक जाए इसलिए 1/4 छोटा चम्मच नमक भी डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब टमाटर को जल्दी से पकाने के लिए हम इन्हें 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढककर पकाएंगे। सिर्फ 2 मिनट तक ढककर पकाने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट पक चुके हैं और इनमें से तेल भी छूटने लगा है। अब हम टमाटरों को अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से मसलने के बाद हमने जो चिकन करी के लिए सीक्रेट मसाला बनाया था उसमें से सिर्फ 1/2 ही मसाला हम इसमें डालेंगे। आवश्यकता अनुसार हम इसमें ये मसाला बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ये मसाला किसी और भी ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। अब सारे मसाले को टमाटर के साथ एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे। अब इन मसालों में भुना हुआ चिकन डालेंगे। अब सारे चिकन के पीसेस को इस मसाले की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए इस तरह से मिक्स करेंगे। चिकन के पीसेस को मसाले से अच्छी तरह से कोटिंग होने के बाद अब हम इसमें 1 कप गर्म पानी डालेंगे। जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसी में 1/2 कप पानी डालकर उसमें भी बचा हुआ मसाला डाल देंगे। अब स्वादानुसार नमक डालेंगे। हमने मैरिनेट करते समय भी नमक डाला था और टमाटर में भी नमक डाला था।
इसलिए आप उसी हिसाब से इसमें नमक डालिए। अब 1.5 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। एरोमेटिक होममेड गरम मसाले की रेसिपी भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब चिकन को सारे मसालों के साथ हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अगर हम इसे जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे तो चिकन के पीसेस टूटने का डर है। अगर आपको चिकन करी के लिए ग्रेवी पतली पसंद है तो आप अभी इसमें 1/2 कप और पानी डाल सकते हैं। चिकन करी में सारी चीज़ें डल चुकी है, अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। अब एक बार और चिकन करी को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब चिकन करी को लो मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 15 मिनट तक चिकन करी को पकाने के बाद अब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं चिकन करी से तेल छूट गया है। अब हम इसे हल्के हाथों से एक बार फिर से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन करी की ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। चिकन करी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। अब इस माउथ वाटरिंग टेस्टी चिकन करी को राइस के साथ, नान के साथ या चपाती के साथ सर्व करेंगे। मुझे पक्का यकीन है आपको भी ये टेस्टी और सिंपल चिकन करी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।